आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में सैकड़ों फ्लैट्स बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में ड्राइवर, गार्ड्स, माली व अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति सतत बनी रहती है। ऐसे में इन लोगों के साथ तथा आने वाले अन्य सभी आगंतुकों व रहवासियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एडवोकेट विनीता सुरेंद्र पाठक की अगुवाई में निपानिया स्थित मैपलवुड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि बतौर मास्टर रयान गौतम सुरेंद्र पाठक उपस्थित थे। वनिता पाठक ने ड्राइवर एवं कर्मचारियों के कर कमलों से ही विधि विधान के साथ प्याऊ का शुभारंभ करवाया। एडवोकेट वनिता सुरेंद्र पाठक ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उन्होंने देखा कि कई बार ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड्स, माली व अन्य कर्मचारीगण ऊपर फ्लैट तक नहीं जा पाते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए नीचे ही शीतल जल की व्यवस्था हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रविवार को प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान यहाँ आने वाले ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड्स एवं सभी कर्मचारीगण उनके लिए शीतल जल व्यवस्था होने पर खुश दिखाई दिए। विनीता जी, सुरेंद्र जी पाठक, धार्मिक कार्य है, मतलब सामाजिक कार्य में हमेशा तत्पर रहने वाले इंसान हैं और उन्होंने हमारी इस विषय की, मैंने उनसे एक पहल की थी कि यहाँ पर इस प्रकार की हमें पानी की समस्या की दिक्कत होती है। उन्होंने हमारा सुझाव देखते हुए सभी ड्राइवर भाइयों के लिए पानी की व्यवस्था है, गार्ड बंधुओं के लिए, सबके लिए पानी के शुद्ध पेयजल की एक प्याऊ लगवाया है, इसलिए उन्हें तहे दिल से हमारी तरफ से धन्यवाद सर। हाँ। और यहाँ पानी की, ये ड्राइवर लोग को, काम करने वाली भाइयों को कुछ समस्या पीने के पानी की आती थी जी। वो मैडम ने पूरी करी इनने जी। और बहुत अच्छा करा है।